नमस्कार दर्शकों, फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेन न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ अपर्णा। आलो वासियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी, खास करके स्टूडेंट लोगों के लिए। आज यानी 13 सितंबर 2023 को कोऑपरेटिव के सामने स्वर्गीय निन्या बागरा के नाम से उनके याद में उनके घर वालों ने एक बस स्टॉप कम ओपन लाइब्रेरी बनवाया गया, जिसका उद्घाटन डीसी पंगा तत्व के शुभ हाथों द्वारा की गई। उनका घर वालों का कहना है कि स्वर्ग निन्या बागरा उनके जीवन काल में पढ़ाई को लेकर बहुत ही सोचने वाले व्यक्ति थे। उनका सपना था कि स्टूडेंट मोबाइल पकड़े रहे, उनको ध्यान में रखते हुए उनके घर वालों ने बस स्टॉप कम ओपन लाइब्रेरी बनवाया गया। एक सूचना बता दूंगी कि अगर कोई इस ओपन लाइब्रेरी में बुक्स डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ये ओपन लाइब्रेरी सभी के लिए है। हर कोई यहाँ पे आकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप सभी से एक दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ पे आकर जो बुक्स पढ़ाई करते हैं वो सभी ध्यान में रखें कि बुक्स को इधर उधर ना करें, पढ़ाई करने के बाद वहीं पे रख दें, और खास करके ध्यान दें कि गंदगी ना फैलाए, पान मसाला ये सब का कि इधर उधर ना थूके, अच्छे से ध्यान में रखते हुए सभी कर। गुड मॉर्निंग सभी को। मुझे रेस्पेक्टेड डीसी सर को बहुत बहुत थैंक यू, आज इनोग्रेशन सेरेमनी में आप बहुत साथ दिया, इनोग्रेशन कर दिया। तो ये मेरा नाम ज्ञानम बागरा है, आई एम सन ऑफ द इंजीनियर निन्या बागरा। तो मेरा अब तो सुप्रिंटिंग इंजीनियर था, पासीघाट में हाइड्रो पावर में था। लास्ट ईयर एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया था। अब वो तो बहुत एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देता था, बहुत हम लोगों के बचपन से एजुकेशन के बारे बहुत सिखाता था। और अब वो का एक सपना था कि बच्चा फोन का जगह किताब पकड़ते हुए रास्ता में दिखे, हर जगह पढ़ाई करते हुए। अब वो कभी किसी बच्चा को पढ़ते हुए देखने से बहुत इम्प्रेस होता था। तो वही हम लोग पॉइंट में रखते हुए हम लोग आज ये फैमिली का तरफ से एक छोटा सा स्कूल बस स्टॉप जिसमें एक ओपन लाइब्रेरी भी है, तो ये हम लोग बनवाया। तो इसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है हम लोग फैमिली का तरफ से, कि ये हम लोग को बनाने में कोऑपरेट किया और हम लोग को परमिशन दिया है सर। और ये तो पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ये तो है ही, और जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत काम आएगा। और यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी है, सब बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरा फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है पब्लिक को कि आप प्लीज़ यहाँ पे जिनके पास स्पेयर बुक्स होगा प्लीज़ आके डोनेट कीजिए। और हम लोग होप करते हैं एवरी को पब्लिक मेंटेन करते रहेंगे और इसको साफ सफाई मेंटेन करेंगे, और यहाँ पे बुक्स यहाँ पे प्रॉपर्ट ये तो पब्लिक के लिए है, इसको अच्छे से मेंटेन करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे। तो यही हम लोग होप करते हैं। और आप सबको आने के लिए इतना धूप में तकलीफ कर रहे हैं आप लोग, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सर, आपको सबसे पहले आरसीसीएन टीवी में स्वागत करती हूँ। तो आज यहाँ में निन्या बागरा का जो मेमोरियल के लिए यहाँ में जो बस स्टॉप और गन ओपन लाइब्रेरी जो यहाँ का उद्घाटन किया गया है, तो सुनने में आया कि ये जो आप का नो एंग्री ग्रुप ना, हाँ, इसमें भी वो साथ थे। तो आप लोग यहाँ पे हुई आप जो ड्रेस को पहनकर आए इसका मेमोरियल का दिन में, तो आप लोग उसको किस प्रकार का याद करते हैं और वो क्या थे आप लोग के बीच में, उसके बारे में थोड़ा यस ये फैक्ट है, ये हम लोगों का नो एंग्री ग्रुप, ये जो है लेट हमारे जो
मीना बगरा सर है, उसका फॉर्म किया हुआ टीम है, तो उसने जो हमें संस्कार दिया है, जो उसने हमें सिखाया है, वो बहुत ही एग्जेम्पलरी है। तो इसलिए हम लोग भी आज उसका प्रोग्राम में इनक्रेज करने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाँ सर वाकई एक अच्छा आदमी थे और उसने जो हम लोग को संस्कार दिया है वो हम सबको दिखाने आए हैं। सर ये नो एंग्री ग्रुप ये एक्चुअली क्या था और आप लोग को मतलब ये ग्रुप क्यों बना? हाँ ये एक सर का कंसेप्ट था कि अगर ग्रुप होता है तो कुछ नाम होता है जैसे फ्रेंड्स ग्रुप और जैसे रुमतुम अली उस टाइप का हो, लेकिन अगर नो एंग्री ग्रुप हम रखते हैं तो हम लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप है एक्चुअली, तो यहाँ पे कोई गुस्सा होने का चीज़ नहीं होता है, कोई आर्गुमेंट कोई झगड़ा नहीं होता है। तो इसलिए सर का ये कंसेप्ट था कि अगर हम लोग ये ग्रुप का नाम को नो एंग्री रखे तो इस ग्रुप में कोई भी हम लोग आर्गुमेंट नहीं करेंगे, तो ये कंसेप्ट हम लोग को अच्छा लगा तो हम लोगों ने ये नाम को रख लिया हम लोगों ने। तो सर आप लोग उसको अभी किस प्रकार आप लोग किस प्रकार के मतलब आप? हाँ याद तो बहुत ही करते हैं हम लोग, बहुत मिस करते हैं हम लोग सर को। जब भी एडवाइस का हमको ज़रूरी होता है तो हम सर को मिस करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक एग्जांपल एक आदमी थे जो हमेशा हमें मोटिवेट और हमें इनक्रेज करते थे। तो उनका जैसा इंसान का देहांत होना बहुत ही हम लोगों के लिए स्पेशली और हमारा जो सोसाइटी है उसके लिए बहुत ही नुकसान है। तो हम ये दुआ करते हैं कि सर का जो भी आत्मा है वो शांति से रहे। थैंक यू सर। और सर जैसे हर एसोसिएशन का हर ग्रुप का सर एक मोटो होता है सर, जी जैसे आप लोग का नो एंग्री ग्रुप का सर क्या मोटो है सर, क्या मोटो है सर? ये नो एंग्री ग्रुप तो फर्स्ट ये था कि हम लोग ये ग्रुप पे गुस्सा नहीं होना है और आपस में जितना भी हम लोगों का जैसे ये मेंबर है आप देख रहे हैं, आपस में जो भी हम लोगों का दुख तकलीफ होता है, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग एक साथ आते हैं, तो इसलिए सर का ये कंसेप्ट हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए हम हर मुसीबत में हर तकलीफ़ में हम लोग एक साथ होते हैं, तो ये कंसेप्ट को लेकर हम चल रहे हैं। थैंक यू।